मेन मुद्दा ये है कि भाई ये जो इस टाइप के ये चैनल क्रिएट कर रहा है, अब ये जो चैनल है ये मोनेटाइज होगा कि नहीं, बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे इंस्टाग्राम में बोलो, यूट्यूब के वीडियो के कमेंट में बोलो, यही क्वेश्चन है कि भैया मोनेटाइज होगा कि नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर अगर पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पूरा डिटेल में पता चलेगा कि कैसा मोनेटाइज होगा, कैसे अर्न कर सकते हैं इस टाइप के चैनल से। अब इस टाइप के चैनल की बात करूं तो यानी क्या, सिंपल सा आपको टेक्स्ट लिखना है, म्यूजिक भरना है और रिएक्ट करना है टेक्स्ट के तौर पे। अब यहाँ पर देखो, जैसे आप ऐसे टाइप के वीडियो बनाते हो तो यहाँ पर सबसे पहली चीज लगती है, सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है, कॉन्टेंट निकालना पड़ता है, वो वीडियो को देखना पड़ता है, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, रिएक्शन देखना पड़ता है। अब लिखने के बाद अब वो जो वीडियो है उसके पार्ट बाय पार्ट कटिंग करके ये जो मेम टेम्पलेट है ना उसके साथ हम टेक्स्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर आप बताओ, आपको यहाँ पर मेहनत लग रही है कि नहीं, सच बताना लग रही है कि नहीं। अब एडिट करने के बाद मैंने देखा कि भैया मेरे को टाइमिंग कितना लग रहा है, तो मेरे को प्रॉपर यानी 2 मिनट का वीडियो एडिट करने के लिए मैक्सिमम 3 घंटे लगे। अब यहाँ पर देखो इतनी मेहनत लग रही है वीडियो में, अब मेहनत लगने के बाद भैया मेहनत कर रहे हैं ना, तो यूट्यूब यहाँ पर समझता है कि भैया एक बंदा है जो क्रिएटर है, मेहनत कर रहा है, थंबनेल लगा रहा है, टाइटल लिख रहा है, टैग लिख रहा है, यहाँ तक एडिटिंग कर रहा लिख रहा है, ना यहाँ पर फेस दिखा रहा ना ही यहाँ पर वॉइस डाल रहा, तो भी ये जो चैनल है मोनेटाइज होगा 100% होगा। अब आपको प्रूफ दिखाता हूँ, एक मेरा दोस्त है उसी के जैसा चैनल क्रिएट किया, 7000 सब्सक्राइबर है। अब यहाँ पर इसका चैनल है, ठीक है, स्केलेटर रोस्टर, तो यहाँ पर इसके चैनल मोनेटाइज हुआ है कि नहीं, तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता ना। अब यहाँ पर ये मेरे दोस्त है स्केलेटन रोस्टर, इसने मेरे को पूरा स्क्रीनशॉट वगैरह भेजा, भैया कितना अर्निंग किया और मोनेटाइज कैसे हुआ, सब कुछ यहाँ पर सेंड किया। अब मैं यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और अर्निंग इसको अभी तक कितने रुपए हुई है ये सब दिखाऊंगा। सबसे पहले ये इसका चैनल है 7084 सब्सक्राइबर, तो यहाँ पर इसके चैनल पे जाता हूँ, चैनल पे जाने के बाद यहाँ पर इसके पूरे वीडियो दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसने लोगो चेंज करके रखा है, अब मैं यहाँ पर इसके चैनल का पूरा एनालिटिक्स बताता हूँ क्या क्या है। अब यहाँ पर इसका चैनल खुल चुका है, देखो ये चैनल पे दिखा रहे हैं 8886 सब्सक्राइबर, देन इसके बाद व्यू 4,80,000 और वॉच टाइम इसको मिला 6400, देन इसके बाद सब्सक्राइबर 7100 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, और ये लेटेस्ट वीडियो है इसने अपलोड करके रखा है, ठीक है, 1 मिनट 14 सेकंड की वीडियो है, यहाँ पर 39 सेकंड इसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन आया और साथ ही इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट 8% आया है। लेकिन इससे पहले कुछ यहाँ पर देखना पड़ेगा जो आपको समझेगा, बहुत अच्छे से समझेगा ऐसे चैनल को कितने अर्निंग हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे मैं ओवरव्यू में जाता हूँ तो यहाँ पर 4,90,000 इसके व्यू आ चुके हैं, और यहाँ पर टॉप वीडियो दिख रहे हैं, यानी ये वीडियो सबसे ज्यादा चली है इसके, यानी ये वाली जो फर्स्ट वीडियो है इसके सबसे ज्यादा चली है, ये 1 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं और बाकी 50-60 हज़ार पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद सब्सक्राइबर की बात करें तो 22 अप्रैल से 19 मई तक इतने सब्सक्राइबर इसके गेन हुए हैं, इसके साथ इसका वॉच टाइम हुआ 6,05,000, और यहाँ पर इंप्रेशन की बात करें तो 36 लाख लोगों तक इसका जो इंप्रेशन गया इसके चैनल का वीडियो का, और इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट बताता हूँ कितना रहता है इसका, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट रहता है 11%, बहुत अच्छा इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट है। देन इसके बाद अब अर्निंग शो करता हूँ, अर्निंग कितनी हुई क्या हुई, तो यहाँ पर इस टाइप से ये अर्निंग शो हो रही है $6.10। अब इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके देखो तो इतना आता है, तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया कि भैया इसमें से अर्निंग होती है, ऐसे चैनल से अर्निंग होती है, बहुत अच्छी खासी होती है, अच्छे खासे व्यू आए। तो अब इसका RPM बताता हूँ, RPM कितना आ रहा है, तो इसका RPM है $0.02 और मेरे चैनल का RPM देखोगे तो $0.27। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये कर रहा है ये कि भैया इसने चैनल की कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करके रखा। अब चैनल की कैटेगरी सिलेक्ट करने से होता क्या है, जो YouTube का एल्गोरिदम है सही ऐड अपने वीडियो में दिखाता है, जिस टाइप का चैनल है उसी टाइप के हिसाब से ऐड परोसता है, तो उससे जो RPM है बढ़ जाता है। तो ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ, सिंपली सब्सक्राइब करो और लाइक जरूर करना यार, इतनी हेल्प करता हूँ तो मेरी भी हेल्प कर दो, एक लाइक कर।